नमस्कार आप लोगों का फिर से स्वागत है हम चैप्टर वन कर रहे थे पार्ट ए में पार्ट ए ऑफ द वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तक खत्म किया था अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लेवल्स लेवल्स ऑफ ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट ठीक है से हम एंड तक करेंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यू you नो know, एक स्ट्रक्चर होता है जो डिविजन करता है कि, कि, कि किसका क्या हायरिकल रोल है ओके okay? मतलब किसका कितना पावर डिसीजन मेकिंग पावर है और उनका रोल क्या है तो यहां पे हम, अगर हम हर एक को देखें तो जनरली थ्री है सुपरवाइजरी लोअर लेवल या फिर फर्स्ट लेवल मैनेजर ठीक है, manager, है, manager, है manager, तो टॉप मैनेजर्स क्या करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल पॉलिसीज बनाते हैं प्लान्स okay? बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं मिडिल मैनेजर क्या करता है वो इन टॉप मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर जो नीचे वाला लेवल है उनमें लिंक पैदा करता है ओके तो लिंक करते हैं यू नो जो ऑपरेशन हो रही है वो रिपोर्ट करता है टॉप मैनेजमेंट को और फर्स्ट लाइन मैनेजर को ओवरसी करता है ठीक है तो फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या होता है यहां पे एक्चुअल वर्क फोर्स होता है जहां पे एक्चुअल वर्क होता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन या फिर कोई भी कंजम्पशन का चीज जो हो रहा है कॉन्वर्जन का चीज हो रहा है रॉ मटेरियल्स टू फिनिश प्रोडक्ट्स वो होता है और उसको सुपरवाइज करने की ड्यूटी इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट की होती है तो ठीक है चलिए हम डिटेल में देखते हैं हर एक लेवल को तो यहां पे देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट तो पहला जो चीज है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहा है दे फॉर्मुलेट दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव गोल्स गोल्स एंड एंड तो ऑर्गेनाइजेशन का है ओके okay, वो कौन बनाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल सक्सेस कितना होगा फेलर होगा वो डिटरमाइन कौन करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट फिर क्या करता है कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी मतलब बाहर की दुनिया के साथ या फिर बाहर के समाज के साथ जो इंपैक्ट होगा वो कौन डिसाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट ओके देन दे मेंटेन कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड

ठीक है तो आई थिंक इट वॉज इजी चलिए हम नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है कि एफर्ट्स ऑफ द वर्क फोर्स फोर्स क्या है द वर्कर्स ओके वर्कर्स को ओवरसी करने का प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है लोअर लेवल मैनेजमेंट का है ठीक है दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिडिल लेवल अगर हाँ, आप माइक्रो आप, एनालिस uh, करोगे ओके okay? तो यहां पे देखिए यहां पे एकदम नीचे होते हैं वर्कर्स, ओके okay? उनके नीचे होता है सुपरवाइजर और उनके नीचे होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो यहां पे जो आपको दिख रहा है कि सुपरवाइजर्स एक लिंक पैदा करते हैं मिडिल लेवल और वर्कर्स के बीच ठीक है फिर दे एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट रिसोर्स हो इनपुट हो ताकि वो आउटपुट अच्छा बने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है लोअर लेवल मैनेजमेंट का ठीक है फिर दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स क्योंकि वर्कर के के वर्कर्स साथ डायरेक्टली लिंक में कौन रहता है सुपरवाइजर्स रहते हैं सुपरवाइजरी लेवल होता है इसीलिए इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर्स को ट्रेन करना ठीक है फिर दे एन्श्योर दैट गुड वर्किंग कंडीशंस आर प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स बेसिकली वर्कर्स का वेलफेयर जो है वो

कि एक थियोरिटिकल नॉलेज होता है आर्ट का okay? एक established literature होता है जिसके बेसिस पर हम कोई भी art, you know, का नॉलेज हर आर्ट आप अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कोई अगर पेंटर है ओके okay? और दूसरे पेंटर है तो उन दोनों का पेंटिंग बहुत ही कम मेल होगा उनमें थोड़ा सा तो वेरिएशन आएगा ही ओके okay? उसी तरह कोई भी शेफ दूसरे शेफ से थोड़ा अलग यू नो कुक करता है सो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ आर्ट ऑलवेज डिफरेंट। इट पर्सनलाइज एप्लीकेशन फिर क्या है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी हर आर्ट प्रैक्टिस के ऊपर निखरता है और क्रिएटिविटी के ऊपर और ज्यादा अच्छा होता है ओके okay? तो बेसिकली ये तीन जो है ये तीन फीचर्स होते हैं आर्ट के तो अगर हम देखें कि मैनेजमेंट ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि नहीं देखिए मैनेजमेंट फुलफिल्स दिस क्राइटेरियन एज देयर एग्जिस्ट नंबर ऑफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ओके मैनेजमेंट का एक बहुत ही रिच ओके और डाइवर्स थियोरिटिकल नॉलेज बेस है एक लिटरेचर है एक यू नो प्रिंसिपल का एक फाउंडेशन है जिसके बेसिस पर हम मैनेजमेंट का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं ठीक है थीके? फिर आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मैनेजमेंट क्या होता है कि हर एक मैनेजर एक पर्टिकुलर सिचुएशन को अलग तरीके से पर्सपेक्टिव में लेगा बेसिकली अगर आप फुटबॉल मैनेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक सपोज कोई टीम है ओके okay? कोई भी टीम होगी ओके फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी टीम पकड़ लें मैनचेस्टर सिटी ओके मैनचेस्टर सिटी का मैनेजर फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है पेप गार्डियोला हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है सो so बेसिकली वो जो करेंगे उनके बाद जो मैनेजर आएंगे वो उसी टीम को एक अलग प्रकार से यू you नो know, चलाएंगे तो बेसिकली एक जो मैनेजमेंट का यू नो मैनेज करने का जो प्रक्रिया है वो हर एक मैनेजर का अलग होता है इसीलिए मैनेजमेंट इज हाइली पर्सनलाइज इन इट्स एप्लीकेशन ठीक है फिर आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी तो बेसिकली क्या है मैनेजमेंट में आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे और जितना क्रिएटिवली अप्लाई करोगे उतना ही आप निखरोगे तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ठीक है आई होप दिस इज क्लियर ओके तो चलिए नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे देखिए मैनेजमेंट इज अ साइंस तो यू सी अब हम तीसरे दूसरे परस्पेक्टिव से देख रहे हैं कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं क्वालिफाई होता है कि नहीं तो साइंस का पहला फीचर क्या होता है कि एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है ओके okay? बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है कि बेसिकली साइंस में एक वेल डिफाइंड रिजिड यू नो थियोरिटिकल बेस है ओके बॉडी ऑफ़ नॉलेज है प्रिंसिपल्स है, जो चेंज नहीं होंगे जो बहुत ही एब्सल्यूट होते हैं ओके okay? और वेरियस साइंटिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स के बेसिस पर बनाया गया है ओके okay? उनके थियोरिटिकल नॉलेज की बेसिस पर बनाया गया है फिर आता है एक्सपेरिमेंटेशन दो प्रिंसिपल्स बने कैसे हैं के? के ये हमेशा एक experimentation प्रोसेस के end में बनते अगर okay? आप कुछ भी ले लो आप थ्योरी ऑफ मोशन ले लो ओके ऑफ रिलेटिविटी ले लो तो बेसिकली किसी ने भी अगर कोई भी प्रिंसिपल बनाया है साइंस का तो उसपे एक्सपेरिमेंटेशन और कैलकुलेशन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है ठीक है तो ये हो गया एक फीचर साइंस का तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस के कोई भी प्रिंसिपल हो वो हर एक प्रकार के यू नो सिचुएशन में अप्लाई होगा ओके okay? फिजिक्स के आप कोई भी प्रिंसिपल ले लो वो हर जगह सेम ही होंगे वो कहीं भी डिफरेंट नहीं होता ओके okay? अगर आप लॉज ऑफ ग्रेविटी लोगे तो यहां पे अगर आप दिल्ली में कहीं पर बैठे हो तो आपके लिए ग्रेविटी सेम है अगर आप न्यूयॉर्क या फिर किसी भी गुवाहाटी में भी अगर आप बैठे हो तो सेम होगा ओके okay?

दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन और कुछ हद तक experimentation पे भी बना है, है, है तो basically यहां भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मेल खा रहा है. Okay? फिर आता है universal validity. पर यहां पे एक थोड़ा वेरिएशन आता है साइंस के प्रिंसिपल क्या थे यूनिवर्सली वैलिड थे ठीक है? वो रिजिड थे वो चेंज नहीं होंगे वो absolute होते हैं, पर अगर आप साइंस के तरफ से मुड़ के मैनेजमेंट के बारे में देखे तो क्या होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं तो बेसिकली डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर विच इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ह्यूमन तो वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से अप्लाई होगा तो यहां पे क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम तो देयर फॉर यहां पर क्या होता है मैनेजमेंट एज अ साइंस का ये फीचर जो है वो पूरी तरह अप्लाई नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं इसीलिए मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस ठीक है इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस बट इट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा सोशल साइंस की तरफ डाइवर्ट हो रहा है ठीक है तो चलिए हम नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं हम तीसरे परस्पेक्टिव से अगर देखें द लास्ट परस्पेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ओके अगर हम नेचर के बारे में बात करें तो है कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है ओके इज इट अ प्रोफेशन तो अगर हम देखें कि हमने चैप्टर वन में सीखा था इन क्लास इलेवन बिजनेस स्टडीज की प्रोफेशन क्या होता है प्रोफेशन में क्या थे पहला था एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज यहां भी होता है ओके प्रिंसिपल्स थ्योरी होती है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड थीज इज वेरियस नो एक्सपर्ट्स के बारे में uh, बेसिस पर बनाया जाता है फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कोई भी प्रोफेशन में नहीं घुस सकता प्रोफेशन को में घुसने के लिए एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया चाहिए होगा जो वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा सिर्फ वही घुस सकता है इन द पर्टिकुलर प्रोफेशन बेसिकली अगर हम हाँ, अगर हाँ, अगर हाँ, अगर मेडिकल के बारे में बात करें तो मेडिकल में कौन सा क्राइटेरिया है पहला तो उसे बेसिक एमबीबीएस तो होना ही पड़ेगा ठीक है उसको बेसिक एमबीबीएस तो होना ही पड़ेगा उसके बाद हम अदर क्राइटेरिया देखते हैं तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री द सेकेंड वन फिर आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन सेवरल मैनेजमेंट एसोसिएशन एग्जिस्ट तो बेसिकली हर एक okay, एक प्रोफेशन को ओके प्रोफेशनल एसोसिएशन हैंडल करता है या फिर रेगुलेट करता है तो बेसिकली अगर हम मेडिकल uh, के बारे में बोले तो इंडियन मेडिकल काउंसिल लार्जली रेगुलेट्स द होल मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस कॉलेज प्रोसेस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द मेडिसिन ओके फिर आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तो यहां पे देखिए हर एक प्रोफेशन एक कोड ऑफ कंडक्ट के बेसिस पर चलता है फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स को देखे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो जो डिरेक्टिव दिए हैं जो जो यू नो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते उस प्रोफेशन में ओके okay? तो बेसिकली ये बनाया जाता है प्रोफेशन में वो हर एक प्रोफेशन में होता है ओके okay? फिर आता है सर्विस मोटिव ओके प्रोफेशन जो है वो सर्विस मोटिव से किया जाता है उसमें आप कभी भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं देखोगे वो हमेशा सर्विस ओरिएंटेड होगा इसीलिए ये दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन तो दे, चलते चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है कि नहीं ओके तो पहला है मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है ओके तो बेसिकली दिस क्राइटेरिया इज फुलफिल दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री अब सी ए होने के लिए भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो होल प्रोसेस है एग्जामिनेशन का एक यू uh, नो you know, आप सी ए फाउंडेशन बोलिए या फिर आप uh, उसके बाद आईपीसी बोलिए आर्टिकलशिप बोलिए फाइनल एग्जामिनेशन बोलिए कुछ भी है तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है उसके बाद जो उस, उससे निकलता है वो सी ए बन सकता है ठीक है उसी प्रकार का लॉयर का भी प्रोसेस है डॉक्टर्स का भी प्रोसेस है बट मैनेजमेंट का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कोई भी रिगार्डलेस ऑफ इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक मैनेजर बन सकता है तो देर फॉर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का फीचर है ये अप्लाई नहीं होता ठीक तो है तो नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन तो बेसिकली देखिए मैंने क्या बोला है कि मेडिकल जो है वो इंडियन मेडिकल काउंसिल देखता है सीए का जो वो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देखता है पर मैनेजमेंट को देखने के लिए ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है ये yes. IMA नाम का ऑल इंडिया यू नो मैनेजमेंट एसोसिएशन है पर उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट कोड यू नो रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं मैनेजमेंट के लिए ठीक है तो यहां पे ये फीचर पूरा पूरा अप्लाई नहीं होता ओके फिर आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हर प्रोफेशन में जैसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है मैनेजमेंट में ये ज्यादा नहीं दिखाई देता क्योंकि मैनेजमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करता है मैनेजर तो बेसिकली जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो बेसिकली यहां पे एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है मैनेजर्स के लिए ठीक है तो ये क्राइटेरिया भी ज्यादा फुलफिल नहीं होता तीसरा है सर्विस मोटिव हाँ कुछ हद तक आप बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ फुल सर्विस ओरियंटेड थिंग बट यहां भी आप देखोगे कि पूरा पूरी अप्लाई नहीं होता तो बेसिकली मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन अगर हम देखें तो हर चीज अप्लाई नहीं होगी बट स्टिल हम अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो हम मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन बोल भी सकते हैं और इन इस बेसिस पर हम नहीं भी बोल सकते तो इट इज अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट पर बेसिकली ये नेचर जो है हमने अभी खत्म कर दिया ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज फिर आता है कोऑर्डिनेशन वी आर मूविंग द लास्ट स्टेज ऑफ चैप्टर ओके तो लास्ट में क्या आता है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन क्या है कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स व्हिच सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बेसिकली क्या होता है कि यहां पर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है एचआर डिपार्टमेंट है अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे तो ये तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है कि नहीं ओके okay? तो ये तीनों जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इनको आइसोलेटेड होकर ये काम नहीं कर सकते ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि क्या हो कि ओवरलैपिंग नहीं हो ओके ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं हो ओके okay. इसीलिए और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस नहीं हो इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक साथ हर एक एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हर एक ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक साथ चले टुवर्ड्स द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल ठीक है क्यों चाहिए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन डिलेज एंड केयस ठीक है तो बेसिकली लेटेस्ट कंसर्न विद ऑल थ्री लेवल्स हर तीन पूरा तीन के तीन लेवल जो मैनेजमेंट के हैं उनको एक दूसरे के साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा हर काम ठीक है तो चलिए हम देखते हैं बेसिकली यहां पे देखिए यहां पे कभी-कभी मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन भी बोला जाता है बट यहां पे हम इस, इसको एक सेपरेट फंक्शन की तरह नहीं बट एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरह देखेंगे तो बेसिकली अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए सीयूटी में डेट विच यू नो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज ऑफ मैनेजमेंट तो आंसर क्या होगा कोऑर्डिनेशन ओके okay. तो चलिए देखते हैं हम विस्तार से ओके okay. तो फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर हम देखें तो पहला चीज है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स ओके जैसा मैनेजमेंट ग्रुप एफर्ट्स इंटीग्रेट करता है उसी तरह कोऑर्डिनेशन भी इंटीग्रेट करेगा ओके okay? कि डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज को परपसफुल ग्रुप एक्टिविटी में लिंक करके कैसे कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए वही होता है पहला फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन ठीक है तो आई होप दिस वन इज क्लियर बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया नाउ इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन तो यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है कि हर एक आदमी जो है ऑर्गेनाइजेशन का हर एक डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा पूरी एक ही यू नो डायरेक्शन की तरफ काम करें एक ही यू नो गोल की तरफ अपना जो एफर्ट्स है वो लगाए ओके तो ये क्या होता है यूनिटी ऑफ एक्शन ओके सब लोग यूनाइटेड होके एक ही तरफ अपना एक्शन डायरेक्ट कर रहे हैं ओके सो बेसिकली दैट्स द सेकंड फीचर फिर कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है वो कभी खत्म नहीं होता वो फेज बाय फेज हमेशा चलता रहेगा

उसको अपने एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा विध एवरी ग्रुप ही इज एसोसिएटेड ठीक है समझ में आ गया ओके चलिए नंबर की तरफ चलते हैं कोऑर्डिनेशन इज इज द द ऑफ ऑफ मैनेजर्स मैनेजर्स इट दैट डे मेक एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन तो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कोऑर्डिनेशन को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दे अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स है वो अचीव नहीं होंगे ठीक है फिर आता है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिवरेट फंक्शन ओके? तो फंक्शन क्या है कि ये यू नो बाय खुद एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कोऑर्डिनेशन हमेशा एक कॉन्शियस एफर्ट है टुवर्ड्स अ कॉमन गोल ओके वो एक क्या होता है कि एवरी मैनेजर वॉलेंटेली कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे के साथ ताकि ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल्स है वो अचीव हो ठीक है तो चलिए हम सिग्निफिकेंस की तरफ चलते हैं अभी ओके okay? तो नीड स्लैश सिग्निफिकेंस ऑफ यहां पे मैनेजमेंट नहीं होगा दिस विल बी कोऑर्डिनेशन ओके तो कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए इस पे हम डिस्कशन करेंगे तो पहला है इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस ड्यू टू मल्टीपल ऑपरेशंस बेसिकली देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं आपके सराउंडिंग में जो बड़ा होता जा रहा है जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है आज सिर्फ आपके लोकैलिटी में जो बिजनेस करता था वो पूरे यू नो वर्ल्ड ओवर शायद बिजनेस कर रहा है ओके okay? तो जब हम इस स्केल पे बिजनेस करते हैं तो हमारा साइज भी बढ़ेगा और ऑपरेशंस का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ेगा तो इसीलिए हर चीज को कोऑर्डिनेट करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो दूसरा देखिए स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क बेसिकली क्या है आजकल का जो युग है वो स्पेशलाइजेशन का युग है ठीक तो right, है तो आप जब डॉक्टर के, okay? के पास जाते नहीं जाओगे okay? क्यों क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है ई का जो इस एरिया में अपने एफर्ट्स कॉन्सेंट्रेट करता है उसका नॉलेज इस तरफ है तो बेसिकली हमें भी एज अ मैनेजर हर ऑर्गेनाइजेशन में ये स्पेशलाइजेशन ज्यादा इंप्लीमेंट हो रहा है मार्केटिंग का मैनेजर सिर्फ मार्केटिंग के बारे में ही काम करेगा वो एच में क्या चल रहा है वो नहीं देखेगा ठीक है और हर एक वर्क डिवाइड हो रहा है इनटू स्मॉलर स्मॉलर एंड पीसेस ओके तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क को अच्छी तरह अगर चलाना हो ओके okay? तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आई होप दिस इज क्लियर फिर आता है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट देखिए कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलिस्ट आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में हर एक वर्क डिवाइड हो रहा है डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है तो इसीलिए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी नेचुरल हर एक डिपार्टमेंट को लगेगा कि उसका काम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इट फिर हर एक मैनेजर को लगेगा कि उसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस सिचुएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कोऑर्डिनेशन करें हम ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का एक भाव लाए ताकि सबको यह याद रहे कि हम डिपार्टमेंट वाइज अलग हो सकते हैं पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक है इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर आता है इंश्योरिंग यूनिटी ऑफ डिरेक्शन तो बेसिकली क्या होता है यहां पे क्या बोला गया कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी होगा स्पेशलाइजेशन है डिपार्टमेंटलाइजेशन है तो बेसिकली सबका ध्यान कभी कभी अलग तरीके से अलग अलग तरफ हो सकता है तो सबका ध्यान एक तरफ हो ओके okay? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके यूनिटी ऑफ डिरेक्शन मतलब क्या होता है कि हर एक आदमी एक ही डिरेक्शन में अपना एफर्ट्स पुट कर रहा है तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि एंश्योर करता है कि हमारे जो एफर्ट्स है वो एक ही तरफ हो ओके इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके okay? तो बेसिकली हम अब एंड में आ चुके हैं चैप्टर वन के ओके आई होप आपको समझ में आया होगा ओके सी टी के लिए जो चैप्टर वन हमारा जो नेसेसरी था कंटेंट वो हमने क्लियर कर दिया है हियर चैतन्य भारती इफ यू नीड मोर ओके आप देखते रहिए हमारे वीडियोस ओके okay? और आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि और वीडियोस आने वाले हैं हर एक चैप्टर पे हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे ठीक है थैंक यू